क्या आपको अपने ब्लॉगर को कन्वर्ट करना है अमेजन एफिलिएट की बढ़िया सी वेबसाइट में, तो ये होगा कैसे और ये जरूरी क्यों है, आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधु स्वागत है आपका हाउ टू में, मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किस तरीके से एक ब्लॉगर जो है वो अपने ब्लॉग को इस तरह से कन्वर्ट कर ले कि आप एक अमेजन की अच्छी सी वेबसाइट बना सको और बढ़िया से कमीशन या सेल जनरेट कर सको उस वेबसाइट की या ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, अब पंगा कहाँ पर आता है, पंगा ये आता है कि अगर आप वर्डप्रेस पे देखोगे तो वहाँ पर तो बहुत सारे प्लगइन हैं इनको मिनटों में करने के लिए, लेकिन ब्लॉगर पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है अपना दिमाग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी थीम के बारे में जिससे कि आप इजीली अपने ब्लॉगर को कन्वर्ट कर सकते हो अमेजन के बढ़िया से एफिलिएट वेबसाइट में। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये इस थीम के ऊपर बनाई हुई दूसरी वीडियो है, मतलब पार्ट टू है, इससे पहले एक पार्ट वन आ चुका है और इसके बाद एक पार्ट थ्री भी आएगा। ठीक है, तो मैंने तीन वीडियोस की पूरी सीरीज बनाई है इस थीम के ऊपर ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप इस पे काम करने वाले हैं। तो आज मैं जिस थीम की बात करने वाला हूँ उसका नाम है इजी कार्ट, और मैंने इसे पहले वीडियो में दिखा दिया था कि ये किस तरह इंस्टॉल होती है। आज मैं इसका एक लेआउट पूरा चेंज करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से लेआउट चेंज होगा और बहुत ही इजी सेटअप में हो जाएगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बताते हैं इसके बारे में वन बाय वन। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके, और अगर यहाँ नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना अंत में। ठीक है, चलो स्क्रीन चलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इसे इंस्टॉल किया था, ठीक है, और इस वीडियो में हम यहाँ पर चेंजेस करने जा रहे हैं और इसे एक बहुत ही बढ़िया थीम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ गए हम हेडर मेन्यू में, लिंक लिस्ट में एडिट में जाएंगे और यहाँ पर ये देखो लिंक लिस्ट है। ठीक है, शो लिंक लिस्ट, डोंट शॉर्ट, शॉर्टिंग कर सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ पर आप न्यू लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब ये एडिट है, ठीक है, और ये डिलीट का ऑप्शन है। तो चलो आपको एक एडिट करके दिखाते हैं कुछ। अब जैसे कॉन्टैक्ट का हमने खोल लिया यहाँ पर, अब नीचे आप देखो URL डाल सकते हो, आप ऊपर आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको सेव कर दो जो भी आपको करना है। ओके, और ये शॉर्टिंग में आप जाओ तो यहाँ पर देखो आप अल्फाबेटिकली और रिवर्स अल्फाबेटिकली दोनों शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिंक देना है, जैसे मैं लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे ही लिंक दे देता हूँ अभी कुछ भी, xyz.com, एड लिंक। अब देखो ये अबाउट आ गया है। ठीक है, इसे सेव करते हैं और यहाँ से भी सेव करते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम इसे एक बहुत ही बढ़िया उसमें चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अब रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखते जाना वन बाय वन ये जो है ना चेंज होंगे। अब यहाँ मैंने अबाउट दो ले लिया है तो मैं एक अबाउट को हटा देता हूँ। अब यहाँ एडिट में चलेंगे और मैं इसको चेंज कर देता हूँ प्राइवेसी। ठीक है, ऐसे सेव कर देते हैं। ओके, अब इस थीम को ना आपको वन बाय वन अपडेट देखते हुए चलना है कि क्या क्या हम कहाँ कहाँ अपडेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये प्राइवेसी आ जाएगा, देखो आ गया प्राइवेसी। ठीक है जी, तो इस थीम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पर एडिट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो दोबारा से, देखो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, और मतलब सब कुछ आपको ना थीम के ऊपर ही दिया हुआ है, आपको लेआउट में ही ज़्यादातर चीज़ें करनी है। ये बेस्ट सेलर देख लो, ये मेरा लोगो है जो ऊपर दिखा रहा है। ठीक है जी, चलो अब नीचे आते हैं मेन मेन्यू में, और ये मेन मेन्यू क्या है, ये है जो होम फीचर्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखा ना ये सब, तो इसको चेंज करते हैं और बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब दूसरे उसमें तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल होता है थीम्स में, बट इसमें बहुत आसान है, यहाँ शॉर्टिंग वगैरह जैसे पहले मैंने दिखा रखा है। ठीक है, और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर ये देखो ये सारी लिस्ट आ गई जो वहाँ पर दे रखी है। होम मेन बटन जो है वो सिंपल रहेंगे, ठीक है, जैसे होम फीचर ये सब सिंपल बटन है, बट अगर आपको ड्रॉप डाउन करना है, मतलब ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन लगाना है, जैसे कि यहाँ देखो ये सिंपल है, ठीक है, बट यहाँ ड्रॉप डाउन है, तो इसके लिए आप वो पड़ी हुई माइनस बोलते हैं ना, लेटा हुआ माइनस, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है, तो उसका यूज़ करना है। अब जितने अंडरस्कोर का भी यूज़ करोगे वो उतने ही माइनस में जाएगा, मतलब उतने ही वो अंडरलाइंस को लेगा, ड्रॉप डाउन लेगा। ठीक है, चलो समझाऊंगा इसको मैं आपको। अब जैसे यहाँ पर मैंने फीचर को खोल लिया है, ठीक है, और इसको मैं चेंज करता हूँ कैटेगरी में,
ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी सेव कर दिया और यहाँ भी सेव कर देंगे इसे। ठीक है जी, ये सेव हो रहा है। अब वापस आके हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ फीचर की जगह ना अब आएगा आपका कैटेगरी, तो देखो कैटेगरी आ गया। ठीक है जी, अब वापस आते हैं, दोबारा से लिंक लिस्ट में जाते हैं। अब आपको समझना है, देखो ये मल्टी ड्रॉप डाउन है, जहाँ पर दो अंडरस्कोर है वहाँ पर डबल ड्रॉप डाउन आएगा और जहाँ पर एक अंडरस्कोर है वहाँ एक ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है, तो चलो इसको एडिट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखो यहाँ मल्टी है, मल्टी ड्रॉप डाउन है, तो मैं इसको हटा देता हूँ मल्टी को, और यहाँ देखो एक अंडरस्कोर लगा हुआ है। ठीक है, तो यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना सीखना है। ठीक है, सेव कर दो और इसे भी सेव कर लो, और वापस से हम यहाँ सेव कर देते हैं। इसके बाद वापस आते हैं और यहाँ पर आप जब देखो अभी मल्टी ड्रॉप डाउन आ रहा है और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये ड्रॉप डाउन चेंज हो गया, मल्टी हट गया, ड्रॉप डाउन आ गया। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, नहीं तो मैं अब देखो यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक जगह ना आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर एग्जांपल आएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, तो वापस से आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आप कहीं पर भी ड्रॉप डाउन डाल सकते हो, बस आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है बस कि कहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है कहाँ नहीं। ठीक है, तो आपको जहाँ भी मेन मेन्यू चाहिए, चलो मेन मेन्यू ही कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, मेन मेन्यू, अब इसे हम ऐड लिंक कर लेते हैं। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऊपर आएगा, बट आप इसे एरो से नीचे कर सकते हो, जहाँ पर भी आप डालोगे ये वहाँ पर आपको शो करेगा मेन मेन्यू। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको इसे सेव कर देना है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, हम सब मेन्यू भी डाल लेते हैं साथ में। ठीक है, अब सब मेन्यू यहाँ पर हमने डाल लिया है, लेकिन सबसे मेन चीज़, क्योंकि मेरे को मेन मेन्यू में सब मेन्यू देना है, तो एक अंडरस्कोर देके मैं इसे यहाँ नीचे ले आता हूँ मेन मेन्यू के। ठीक है, तो अब देखो मेन मेन्यू मेन हो गया और इसका सब मेन्यू हो गया ये। ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं, एक अंडरस्कोर लगाइए अब ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से हम सेव कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा मेन मेन्यू, देखो ये आ गया कैपिटल में और सब मेन्यू आ गया। ठीक है ना, क्योंकि एक अंडरस्कोर लगाया था तो ये यहाँ पर आ गया है, और क्योंकि यहाँ पर ये देखो एक और ड्रॉप डाउन है, तो हम यहाँ पर भी ऐड करते हैं। वापस आके एडिट पे चलते हैं और एक और हम यहाँ पर डालते हैं, डबल अंडरस्कोर डाल दिया हमने यहाँ पर पहले ही। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बॉटम मेन्यू। ठीक है, ऐड लिंक करते हैं, और ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आता है, तो इसे अब हम ड्रॉप से नीचे ले जाएंगे और सब मेन्यू के नीचे। मतलब आपको ये सीरियल ध्यान रखना है कि आपको कैसे लगाना है, ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये वर्क सही से करेगा। इसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर ये मेन्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से दोबारा सेव करते हैं इसको, और वापस से हम आते हैं यहाँ पर, सब मेन्यू अभी तक दिखा रहा है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन के साथ एक और ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बॉटम मेन्यू, है ना, तो है ना इजी तरीका। तो अब ये आप कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली मेरे ख्याल में, बट फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। तो अब हॉट ऑफर्स पे हम चलते हैं। ठीक है, हॉट ऑफर्स पे हम यहाँ पर आएंगे, क्लिक कर दिया हमने, और अब देखो यहाँ पर ये स्लैश हॉट पोस्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो आपको ये जो भी लिखा है ना इसको हटा के यहाँ पर आप पॉपुलर रेसेंट ऐसे कुछ डाल सकते हो, जिससे कि आपका पोस्ट जो है वो शो करने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर रिसेंट डाल देता हूँ। ठीक है, रिसेंट स्लैश हॉट माइनस पोस्ट। ठीक है, तो इससे अब आपको सेव कर देना है और वापस आपको यहाँ पर आना है। तो अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे आगे, और देखो ये आपके रिसेंट पोस्ट यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं, है ना।
तो अब यहाँ पर कोई भी पोस्ट डालोगे जाके तो आपके जो भी रिसेंट पोस्ट होंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन। ओके, अब चलो वापस आते हैं यहाँ पर और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। देखो, ये एड्स की जगह है, ये मेन पोस्ट है, ठीक है। गैजेट में आप जो चीज़ चाहो वो चीज़ डाल सकते हो, जो चीज़ चाहो वो चीज़ हटा सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक दो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से आप मुझे कुछ नहीं हटाना, पॉपुलर पोस्ट वगैरह जो था वो मैंने कर दिया है। ये सोशल आइकन है, सोशल आइकन आपको जो दिख रहे हैं वही है, आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जाके आप लिंक डाल सकते हो किसी का भी, ठीक है, और जिसका भी आप लिंक डालोगे वो काम करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ फेसबुक नहीं दिख रहा है तो मैं फेस बुक कर देता हूँ, ठीक है। फेसबुक करके यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, अभी लिंक करता हूँ ऐड। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं लिंक निकाल लेता हूँ फेसबुक का। तो ये हमने लिंक निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। ये वाला लिंक लेता हूँ मैं और इसको यहाँ जाके सोशल प्लगइन पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे मैं ये एडिट पे जाके यूआरएल इसका पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करते हैं और लगे हाथ इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, सेव हो रहा है, रिफ्रेश। और ये सोशल आइकन आ गया फेसबुक, क्लिक। तो देखो ये यहाँ पर आ गया है, बस सबसे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये काम कर रहा है। वापस आते हैं लेआउट पे और नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फेसबुक का एक और ऑप्शन दे रहा है, ये क्या है मैं दिखा देता हूँ। नीचे आओगे यहाँ पर ये फेसबुक और आपके यूट्यूब चैनल का दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस और फेसबुक वाले ऑप्शन में जाता हूँ। और यहाँ पर देखो ये आपको कोड दिया हुआ है, यहाँ पर ही दे रहा फेसबुक स्लैश। तो आपको यहाँ पर ना अपना जो है यूआरएल डालना है, तो आप इसे पूरे को हटा के अपना यूआरएल यहाँ डाल सकते हो और सेव कर सकते हो, और सेव, ठीक है जी। अब जैसे आप वापस आओगे यहाँ पर, ये देखो कतई जहर आपका जो है फेसबुक का पेज यहाँ दिखाने लगा है और कितने लाइक वगैरह हैं वो सब दिखाने लगा है, ठीक है। अगर कोई लाइक करना चाहे तो लाइक कर सकता है और शेयर करना चाहे शेयर कर सकता है। सेम ऐसे ही यूट्यूब का भी नीचे लिंक दे रखा है इन्होंने, ये सब्सक्राइबर्स वाला। तो यहाँ पर जाके आप अपने YouTube चैनल का लिंक दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, सब्सक्राइब पे गए और यहाँ पर ये रहा, ये ना ये इनके बीच में आपको ये लिंक दे देना है और सेव कर देना है, और सेव, ठीक है जी, सेव हो गया। अब यहाँ आ गए वापस ब्लॉग पे, ओके, रिफ्यूज टू कनेक्ट, ठीक है, कोई नहीं। अब ये फेसबुक इन्होंने कनेक्ट कर दिया, यूट्यूब कनेक्ट नहीं हो रहा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको हम चेक कर लेंगे, बट इतना मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप नीचे कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का लगा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसे रहने दो ऐसे ही, ठीक है जी। तो यहाँ कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाओ यहाँ पर मेन पेमेंट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप अपने पेमेंट वगैरह के ऑप्शन डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप आओगे तो पेपल, पेमेंट ऑप्शन, करेंसी, शिपिंग, ये सब आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप एक सिंपल ई कार्ट वाली वेबसाइट बना रहे, मतलब कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे, तो ये कर करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अमेजन की वेबसाइट बना रहे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर वैसे भी आपको करना है तो आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर आकर आप यूआरएल वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है कि आप अमेजन की ही वेबसाइट बनाओगे, अमेजन एफिलिएट की, तो आपको इन सब पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक है वो हमने लेआउट पे काम कर दिया है, हम एड्स वगैरह बाद में लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेन ब्लॉग पोस्ट है, ये वर्क आपको दिखेगा बाद में।
ठीक है जी। अब ये क्रेडिट कार्ड वगैरह की लिस्ट है जिससे भी आप देख सकते हो, ये भी आपको इतनी जरूरत खैर नहीं पड़ने वाली, आप इन्हें हटा भी सकते हो और अभी पड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप अभी टेस्ट मोड पे चल रहे हो। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे यहाँ सेव करके बाहर निकलेंगे। कहाँ जाएंगे हम? थीम पे वापस आएंगे। अब हम थीम पे आते हैं और थीम पे आके आपको कस्टमाइज करना। अच्छा एक सेटिंग और बतानी भूल गया था मैं आपको, यहाँ से मोबाइल सेटिंग जरूर करनी है ताकि आपका जो थीम है वो मोबाइल के हिसाब से दिखे, और इसको आपको डायनामिक व्यू दे देना है ताकि ये अपने हिसाब से वो मतलब कि इसको अपने हिसाब से मोबाइल में ले ले। ठीक है, तो मोबाइल पे करके डायनामिक करके अभी सेव कर दो। ओके जी, ये कर लो। फिर कस्टमाइज पे आ जाओ। अब कस्टमाइज पे आने के बाद देखो आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह ये सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लगाना चाहो टाइम तो आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वन बाय वन सब कुछ आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ये एडवांस सेटिंग में आओगे तो आपको एक एक चीज़ की जो सेटिंग है यहाँ पर दिखा देगा चेंज करके। लाइक अगर मैं करना चाहूँ, ये कहाँ की है, मेन मेन्यू थीम, अभी ये इधर नहीं दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, नीचे दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर जैसे ये सब गायब हो गया और यहाँ पर देखो ये आ गया। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब आप कर सकते हो। आपको जितना क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो उतना दिखा दो। ठीक है, और इसको हम करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। गैजेट वाले में जाके आप यहाँ ऑथर वाले को इसे टिक कर देना अगर नहीं टिक हो रखा है तो, ताकि आपका जो ये ऑप्शन है ये दिखता रहे प्रोफाइल वगैरह। ठीक है जी, तो चलो ये कस्टमाइज वगैरह आप कर लेना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वापस आ जाते हैं, हमें यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है चेंज। ओके, अब आते हैं हम मेन ऑप्शन में, वेबसाइट पे के। अब हम इसे एक ई कार्ट वेबसाइट मतलब अमेजन के एफिलिएट वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करें, हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं इसे एक अमेजन एक सेटिंग में, और ये जो ये सेटिंग है मैं हटा देता हूँ। अब जैसे यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है तो मैं यहाँ जाता हूँ कस्टमाइज में, HTML में, और यहाँ पर कंट्रोल एफ फॉरम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये मेन्यू तक दे रखा है, ये रहा मेन्यू। ठीक है, तो मुझे ये ऑप्शन जो है हटाने हैं यहाँ से। होम छोड़ देते हैं। ठीक है, और होम भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हटाते हैं इसको और ये दो लाइन भी हटा देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपका अगर आएगा तो 5186 के आसपास में दिखा रहा है। मैं इसको अब सेव करता हूँ। सेव हो गया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। तो देखो यहाँ से ये अब गायब हो गया, तो हमारा जो बेसिक काम है वो हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे एक अमेजन के एफिलिएट वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखा हमने किस तरीके से हमने यहाँ पर इजी कार्ड के लेआउट को चेंज कर दिया है और यहाँ पर कुछ अच्छे ऑप्शन डाल दिए हैं जिससे कि ये वेबसाइट जो है बहुत ही बढ़िया दिखने लग जाए। अब यहाँ पर जो ऐड टू कार्ट है और ये जो ई चेकआउट का ऑप्शन है, ठीक है, ये सब ऑप्शन आपको नहीं चाहिए होंगे तो इसके लिए आप थर्ड वीडियो ज़रूर देखना मेरी, जो कि मैं इस वीडियो को जस्ट बाद अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप पूरा का पूरा ये ऐड टू कार्ट वगैरह का ऑप्शन या चेकआउट का ऑप्शन, क्योंकि हमें अमेजन में नहीं चाहिए होता ना, तो हम ये कैसे हटाएंगे और किस तरीके से हम अमेजन से सीधा डायरेक्ट एक कोड के जरिए
कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं इस वेबसाइट में। तो वो वीडियो मस्ट वॉच है, आप जरूर देखना इस वीडियो को, थर्ड पार्ट को, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ के लिए अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, कोई भी डाउट है कोई सजेशन इस वीडियो को लेके, ठीक है। और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी मेरी छोटी मोटी बात होने लगी टिप्स एंड टिप्स को लेके। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आप यहाँ पर नए हो तो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आते रहे लगातार बार बार। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ है।